रिलैक्स हो जाओ, कॉफी पी लेती हो ना? कुछ और मंगवाऊं तुम्हारे लिए? कॉफी पी लूंगी। वेटर, कब से जॉब कर रही हो? 1 साल से। और एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है जॉब का? अच्छा है, ठीक है। मैंने सुना है कि तुम जिब्रान साहब की सबसे फेवरेट एम्प्लॉय हो और वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखते हैं। नहीं, बल्कि ख्याल रखते थे, क्योंकि अब मैंने सुना है कि आप दोनों के बीच में कुछ अनबन हो गई। ठीक कह रही हूँ ना? खैर, वो ऐसे ही है, उसकी पसंद काफी तेजी से बदलती रहती है। तुम यही सोच रही हो ना कि मुझे ये सारी बातें कैसे पता चली और तुम्हारे और जिब्रान के बारे में मैं कैसे जानती हूँ? बेवकूफ हो तुम, मैं ही नहीं बल्कि पूरा ऑफिस जानता है। अब देखो ना, तुम भी तो एहतियात नहीं करती। कभी हंसते हुए इनके ऑफिस में जाती हो तो रोते हुए बाहर निकलती हो, कभी रोते हुए जाती हो तो हंसते हुए बाहर निकलती हो। तुम्हें क्या लगता है, लोगों को शक नहीं होता? मुझे समझ नहीं आ रही आप कहना क्या चाह रही हैं। मैं तुम्हें सब समझा दूंगी, बस तुम मुझे इतना बताओ कि ये सारी बातें सच है या नहीं। थैंक्स फॉर द कॉफी। एक मिनट, देखो महक, मैं तुम्हारे फायदे के लिए बात कर रही हूँ, बैठो। अब आएगी और कहेगी सॉरी, वेरी सॉरी, मैं जानती हूँ मुझे देर हो गई है, मगर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चले ना, जल्दी से रेडी हो जाएं। मैं भी कह दूंगा, देखो इस वक्त मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। फिर कहेगी इतना नाराज तो आप मुझसे कभी नहीं हुए, प्लीज सलार ऐसे मत करें, चले ना प्लीज। मैं भी कहूंगा कि चलो। अच्छी तरह सोच लो, मुझे कोई जल्दी नहीं है महक। तुम्हें जब लगे जिब्रान तुम्हें और लड़कियों की तरह इस्तेमाल कर रहा है तो मेरे पास आ जाना। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं होने दूंगी, और ये वादा तुमसे तुम्हारी बड़ी बहन कर रही है, समझी? अब चले। वालेकुम अस्सलाम। बेटा इतनी लेट आ रहे हो, तुम कहाँ चले गए थे? एक क्लाइंट से मीटिंग करने शहर से बाहर गया था। आप क्यों जाग रही हैं अब तक? तुम्हारा इंतजार कर रही थी। खाना खाओगे? नहीं, आप जाके आराम करें। बेटा जोया आ गई है वापस, सारा दिन तो मैं उसके साथ ही घर पे, कल शायद चली जाऊं वापस। तो तुम ये रात गए उसे घर पे अकेला छोड़कर, बाहर मत रहा करो, कोशिश किया करो कि अपना काम खत्म करके जल्दी आओ वापस। बेटा अब कोई शिकायत का मौका ना देना उसे। मैं हाजिर होती हूँ तुम्हारे यहाँ। क्या करें मियाँ, प्लीज ऐसे ना करें। बेटा जब वो आई है तो बहुत दुखी थी, और मैं नहीं चाहती कि वो हमें या तुम्हें बदुआएं दे।
आप फिक्र ना करें, मैं ख्याल रखूंगा। आप तुम उठ क्यों गई? सो जाओ। नहीं, मैं बाहर सो जाऊंगी, आप सो जाएं। बाहर क्यों सो जाओगे? क्यों, क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं, आप थके हुए होंगे इसलिए। आप सो जाएं, मैं सो जाती हूँ बाहर। मॉम, सरमत कहाँ है? सरमत? सरमत आजकल शाहजी के मेहमान खाने पर है और वहां उसकी बहुत अच्छी खातिर तवाजो हो रही। इसका मतलब है कि आपने उसे अगवा कराया है। अरे अरे अरे, अगवा? आलिया, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे, अपनी माँ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हो तुम? अरे भाई, उसको किसी ने अगवा नहीं किया भाई, अपने पास मेहमान बनाकर रखा हुआ है कुछ दिनों के लिए। जैसे ही तुम दुल्हन बनोगी वहां उसको छोड़ दिया जाएगा। और तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अरे भाई, वो वहां बहुत मजे से है, खुशबाश। मॉम, आपको क्या लगता है ये सब कुछ करके आप मुझसे अपनी बात मनवा लेंगी? मॉम, आप कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकती हैं। मैं आपको कभी कामयाब होने नहीं दूंगी। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूं। गुड, ठीक है, ये भी अपना शौक पूरा करके देख लो, करो। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है कि शाह जी की पहुंच कहां तक है। अरे भाई, ये पुलिस वाले तो उनकी जेब में हैं।
आलिया पागल मत बनो। अगर तुम उस लड़के को जिंदा देखना चाहती हो ना, तो मैं जो कुछ भी कहती हूं ना वो ही कुछ करो। वैसे भी वो लड़का तुम्हारे काबिल तो है ही नहीं। ये जो मोहब्बत की पट्टी तुमने आंखों पर बांध रखी है ना, शादी होते ही उतर जाएगी और फिर पछतावे के अलावा तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं रहेगा। और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसीलिए जो मैं कहती हूं वही करती जाओ। अरे भाई तुम ऐश करोगी ऐश। अरे तुम तो बहुत खुश नसीब हो जिसकी बात खुद शाहजी ने मेरे साथ की, वरना शाहजी तो जिस लड़की पर हाथ रखे वो लड़की फौरन उनके साथ शादी के लिए तैयार हो जाती। आलिया तुम जानती हो उनके साथ शादी करने का मतलब क्या? नहीं समझोगी। कैसे समझोगी, बच्ची हो ना। लेकिन एक बात है, जिस दिन तुम दुल्हन बनकर उनके साथ उनके घर में चली जाओगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा और तब तुम मुझे बहुत दुआएं दोगी, समझी? देखो आलिया, अपनी जिद छोड़ दो, मेरी बात मान। और आलिया, मेरे दिल में जो अरमान है कि मैं तुम्हें दुल्हन बनते देखूं, वो भी पूरा हो जाएगा। होगा तो वही जो मैं चाहूंगी। पागल मत बनो। अगर तुम उस लड़के को जिंदा देखना चाहती हो ना, तो मैं जो कुछ भी कहती हूं ना वही कुछ करो। वैसे भी वो लड़का तुम्हारे काबिल तो है ही नहीं। ये जो मोहब्बत की पट्टी तुमने आंखों पर बांध रखी है ना, शादी होते ही उतर जाएगी और फिर पछतावे के अलावा तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं रहेगा। और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अरे तुम तो बहुत खुश नसीब हो जिसकी बात खुद शाहजी ने मेरे साथ की है। देखो बेटा, बड़े सालों के बाद हमारे घर में जश्न होने जा रहा है। मैं चाहती हूँ इस तकलीफ में किसी किस्म की कोई कमी ना रहे। हर चीज हमारे खानदान के शायाना शान होनी चाहिए। आप बेफिक्र हो जाओ, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बेटा मैं जानती हूँ तुमने आज तक कभी भी मुझे शिकायत का मौका नहीं दिया है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ बैठकर मुझे थोड़ा सा ब्रीफ कर दो कि तुम करने क्या जा रहे हो इस तकरीब में। अभी तो एक दो दिन बहुत बिजी हूँ, बाद में आपसे डिटेल में बात करता हूँ। तुम बहुत ज्यादा मशरूफ हो ना। अगर तुम्हें किसी की मदद की जरूरत है तो कुछ जिम्मेदारियां सालार पर भी डाल दो। आज तक कभी उसने कोई जिम्मेदारी निभाई जो ये जिम्मेदारी उस पर डाल दो। वो जो कर रहा उसे करने दीजिए, मैं देख लूंगा। ठीक है, मैं चलता हूं। जिब्रान बेटे, तुम उस पर जिम्मेदारियां डालोगे तो उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा ना। उसे तो तुमने ढील दी हुई है, उसके कंधों पर कोई बोझ नहीं है। अगर तुम्हें मदद की जरूरत है तो तुम सालार से बात करो, उस पर उसकी जिम्मेदारियां डालो ताकि उसे एहसास हो अपनी जिम्मेदारियों का। वो अब बच्चा नहीं, बच्चे का बाप बनने वाला है, उसे पता तो चले। लगता है मेरा ही जिक्र हो रहा।
जी हाँ, आप ही का जिक्र हो रहा था आपके वलीमे की तकरीब के हवाले से, लेकिन आपको तो कोई दिलचस्पी ही नहीं। मॉम कैसी बातें कर रही हैं? मैं तो बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहा हूं उस दिन का। सिर्फ इंतजार कर रहा है, ये नहीं है कि भाई का हाथ बटा लो, उससे पूछ लो कि कोई काम करना है कि नहीं। अरे मॉम, भाई के होते हुए भला मुझे कुछ करने की क्या जरूरत है? आई नो कि भाई बहुत अच्छे से संभाल लेंगे सब कुछ। हाँ, मैं मैनेज कर लूंगा, तुम बेफिक्र। इससे अच्छी तो सारा है, कम से कम ऑफिस तो जाना शुरू कर दिया है, उसने अच्छी तरह अपनी जिम्मेदारियों को संभाला हुआ है, दिलचस्पी ले रही है काम। फाइनली आपको यकीन तो आ गया कि मेरी चॉइस गलत नहीं थी। अच्छा ठीक है जी, बताओ कहाँ है वो? अभी कुछ देर पहले ही ऑफिस के लिए निकली है, आपसे मिल के नहीं गई। ऑफिस गई है? किसके साथ गई है? वो मॉम, मैं थोड़ा सा लेट था तो ड्राइवर के साथ गई। अब तो आपकी परेशानी दूर हो जानी चाहिए। मेरी बीवी ने ऑफिस जाकर मेरे हिस्से का काम जो संभाल लिया। मैं चलता हूं, मुझे देर हो रही है। सालार साहब। जी मॉम। अब आप मुझे ये बताइए कि अपनी बेगम को आप इस तकरीब की शॉपिंग के लिए लेके जाएंगे या ये जिम्मेदारी में मैं किसी और के सर लगा दूं? मॉम, मैं तो उसे हर वक्त शॉपिंग कराने के लिए तैयार हूं, लेकिन वो मैडम है कि उसे फुर्सत ही नहीं। रात को ऑफिस से भी काफी लेट आती है, अब आप ही बताएं मैं उसे कब लेके जाऊं शॉपिंग के लिए। अच्छा बाबा ठीक है, मैं खुद ही उससे बात कर लूंगी। वैसे भी वो मेरे से ज्यादा मेरी मॉम की बात मानती है, आप ही उससे बात करके देख लीजिएगा। ओके ठीक है मॉम, मैं लेट हो गया, आई मस्ट लीव फॉर ऑफिस। ओके अल्लाह हाफिज। हुआ क्या है तुम्हें? मैं इस ऑफिस में मजीद जॉब नहीं कर सकती। क्या हो रहा है? मैम सुबह से रो रही हैं ये। क्यों रो रही हो तुम? कुछ नहीं मैम। अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर क्यों रो रही हो? मैं आपको नहीं बता सकती, पर मैं इस ऑफिस में मजीद जॉब नहीं कर सकती, मैं रिजाइन करना चाहती हूँ। कोई तो वजह होगी ना रिजाइन करने की, हुआ क्या है मुझे बताओ। देखिए मैं यहाँ पे शौको तफरी के लिए नहीं आती, मुझ पर मेरी बहन और भाई की जिम्मेदारी है। मुझे समझ नहीं आती कि लोग क्या समझते हैं उन लड़कियों को जो घर से बाहर निकल कर जॉब करती है। वो समझते हैं कि उनकी कोई इज्जत नहीं होती, जब चाहे छेड़छाड़ कर ले, जब चाहे जी बहला ले, पर मैं एक इज्जतदार लड़की हूँ और इज्जत से जॉब करना चाहती हूँ। और मुझे नहीं लगता कि अगर मैंने इस ऑफिस में मजीद जॉब की तो मैं अपनी इज्जत बचा सकती हूँ। तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? जी, मुझे रमेश सर ने बहुत कुछ कहा, वो मुझे बहुत परेशान करते हैं। ज्यादा तनख्वाह और प्रमोशन का लालच देकर वो मुझे नाजायज फरमाइशें करते हैं। मैं उन्हें कई बार रोक चुकी हूँ कि मुझे ऐसी तरक्की नहीं चाहिए, पर वो बाज नहीं आते। और अब तो वो मुझे ये धमकी दे रहे हैं कि मैंने अगर उनकी बात न मानी तो वो मुझे जॉब से निकलवा देंगे। मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती।
मैं रिजाइन करना चाहती हूँ। रमीज कौन है? मैम वो अकाउंट्स में होते हैं। उन्हें जरा बुलाइए। जी मैम। आ कर रही जी। क्या अपने घर की औरतों के साथ भी आप ऐसे ही सुलूक करते? मैनेजर साहब, मैनेजर साहब। जी मैम बोले। मैनेजर साहब अभी और इसी वक्त पुलिस को फोन करें और इस शख्स को गिरफ्तार करवाएं। मैम प्लीज, मैम मेरी बात सुन। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं सारा बात कर रही हूँ बेगम शमीम खान की बहू। जी बिल्कुल। प्लीज आप फौरन इसी वक्त हमारे गुलबर्ग वाले ऑफिस में आइए और देर मत कीजिए। थैंक यू। मैंने ऐसा कुछ। शट अप। आपने क्या किया है और क्या नहीं किया इसका फैसला पुलिस करेगी। मैनेजर साहब, ये साहब अगर ऑफिस से गायब हुए तो इनकी जगह आपको गिरफ्तार करवा दिया जाएगा। तुम्हें अब ऑफिस छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। यहां इस ऑफिस से वो जाएगा जो औरतों की इज्जत करना नहीं जानता। सुन लिया सबने? या अल्लाह, तेरा शुक्र है तूने मेरे घर और मेरी जिंदगी को अपनी नेमतों और खुशियों से हमेशा भरे रखा है। बस एक नन्हे मुन्ने बच्चे की कमी महसूस होती थी, तूने अब वो कमी भी दूर कर दी है। मेरे अल्लाह, मेरे इस घर को नजरे बद से हमेशा बचा कर रखना और मेरी औलाद को हमेशा सुखी रखना। आमीन। हाँ तनवीर। वालेकुम सलाम। तनवीर आज गरीबों और मस्कीनों में कपड़े और खाना तकसीम कर दो और उनसे कहना कि हमारे लिए भी दुआ करें। हाँ तीनी मदरसे में भी भिजवा दो। ठीक है। तुम यहाँ पे क्यों आई हो? जाओ यहाँ से। मुझे आपसे बात करनी है।
मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकता, मैं तुमसे फोन पे बात करूंगा, जाओ। आप समझ नहीं रहे, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। महक, मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकता, जाओ। Come in, ma'am. Come in. बैठो। Thank you so much, ma'am. मैं बहुत डर गई थी, पर आपने मुझे बहुत हौसला दिया। काश सारी लड़कियां आपकी तरह बहादुर होती। मैंने अपनी जिंदगी में बुजदिले की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, लेकिन अब मैं बहादुर हो गई हूं, इसलिए मैं तुम्हें भी यही कहूंगी कि डरना छोड़ दो। गलत इंसान कभी भी बहादुर नहीं होता, आपकी अपनी बुजदिली उसको बहादुर बना देती है, समझी? जी मैम। अब तुम जाओ और अपना काम करो। थैंक यू सो मच। हेलो। जी ठीक है मैम, मैं आती हूं। तो दुश्मन किसे कहते हैं? मो उसे जो आप पे बंदूक तान ले, या उसे जो आपकी अच्छी तरबियत ना कर सके? अगर दोनों सूरतों में देखा जाए तो दुश्मन तो आप ही हैं। तुम जो चाहती हो वो तुम्हारी चाहत है, और सिर्फ चाहत से पेट नहीं भरता और ना महज मोहब्बत से जिंदगी की गाड़ी चलती, और ना ही इश्क से चैन की नींद आती। ये सिर्फ किताबी बातें हैं। हकीकत कुछ और है जो तुम नहीं समझोगी। देखो आलिया, तुम्हें जो जिंदगी मिली है किस्मत से मिलती है, और मेरी किस्मत तुम जैसी नहीं थी। शायद शायद इसीलिए मैं ऐसी। अच्छा ये बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ माजी? कुछ नहीं, बैठो। जिब्रान बता रहा है कि तुमने रमीज को पुलिस के हवाले किया। ओ जी, तुम जानती हो वो कब से हमारे पास नौकरी कर रहा है? जी मैंने पता किया था।
आप लोगों के साथ पिछले 5 साल से काम कर रहा है और इनका बहुत ही खास आदमी है। जब तुम ये सब कुछ जानती हो तो ये एक्शन लेने से पहले तुम्हें जिब्रान से बात कर लेनी चाहिए थी ना। बात कुछ ऐसी थी कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी। अब आप ही बताइए मैंने क्या गलत किया। एक शख्स ऑफिस में काम करने वाली लड़कियों की इज्जत करने के बजाय उन्हें मुफ्त का माल समझकर उन पर गंदी नजर डालता है। क्या ऐसे इंसान के साथ काम किया जा सकता है? क्या ऑफिस में काम करने वाली लड़कियों की कोई इज्जत नहीं होती? अभी तो मैंने उसे सिर्फ पुलिस के हवाले किया। अगर मेरे बस में होता ना मैं उसे खुद सजा देती ताकि दूसरों के लिए मिसाल बनता। और फिर कभी भी हर मर्द किसी भी लड़की पर गलत नजर डालने से पहले 1000 बार सोचता। ऐसे लोगों को तो चौराहे पर लटका देना चाहिए। जो लड़कियों को खिलौना समझकर उनसे खेलने की कोशिश करते, जो शराफत का नकाब ओढ़कर माशरे में दरिंदगी करते, ऐसे लोगों को कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? माँ जी ठीक कह रही हूँ। जिब्रान ने मुझे ये सब कुछ नहीं बताया। अगर बताया होता तो मैं तुमसे कभी ना पूछती। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि उसने ये हरकत की है? सबूत उस लड़की के आंसू थे जिसे वो कई दिनों से परेशान कर रहा था। पर वैसे अगर गुनाह का सबूत ना हो तो गुनाह माफ नहीं हो जाता। ठीक कहा तुमने सारा। ऐसे शख्स के लिए हमारे ऑफिस में कोई जगह नहीं। माँ जी आपको पता है कि अगर हमने उसे पुलिस के हवाले किया तो हमारी कितनी बदनामी होगी। इसका हमारे बिजनेस के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। शिप्रान हमारा बिजनेस किसी लड़की की इज्जत से ज्यादा कीमती नहीं है। इस मामले में मैं सारा के साथ हूँ। इसने तो सिर्फ उसे पुलिस के हवाले किया है। मैं होती तो उसे सख्त से सख्त सजा देती। मैंने तो उसे पुलिस के हवाले कर दिया माँ जी। लेकिन अगर आप सजा देना चाहती हैं तो अपने बेटे को दीजिए जिसकी नजरों के सामने पता नहीं ये सब कुछ कब से हो रहा था और वो नजरअंदाज कर रहा था। ले माँ जी इसी बात की कसर रह गई थी। आज ये लड़की आपके सामने आपके बेटे के खिलाफ बात कर रही है और आप चुपचाप सुन रही। कहीं ऐसा ना हो ये कल सारी दुनिया के सामने खड़े होकर हमारे खिलाफ बात करें और आप कुछ भी ना करें। मैं किसी के खिलाफ कोई बात नहीं कर रही और ना ही करूंगी। मगर हाँ जो मुजरिम होगा उसे नहीं छोड़ूंगी।